सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं नमन क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। यानी देखिए हमारा कार्बन का तो हम जानते बहुत ज़्यादा कंपाउंड है। तो देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए रहता है एल्युमिनियम रहता है, ठीक है, कॉपर रहता है, ये लोग कम कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका जो नामन क्लेचर तो हम लोग भैया जर्नल में कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा कार्बन हम लोग जानते हैं क्या इसके पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है कि मतलब एक कार्बन अगर है तो बहुत ज़्यादा कार्बन से लिंकेज कर लेता है। तो इसके लिए हमने निकाला है कि हम कैसे इसका नामन क्लेचर करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कार्बन का कोई कंपाउंड है तो इसका कुछ रूल दिया गया है जिसके थ्रू हम इसका नाम कर नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमें केवल चार रूल पर फोकस करना है जिसके थ्रू हम क्या है सारे क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे कि अगर उसका नामकरण करना रहेगा, ठीक है। नामन क्लेचर मतलब बेसिकली उसका नेमिंग क्या होगा। तो पहला रूल यही कि भैया सबसे पहले हम पहचानेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे कि कार्बन हमारा है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है क्या कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन पता करिए। दूसरा बात हमें इस ध्यान रखना है कि कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। अब कोई पूछेगा फंक्शनल ग्रुप क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है। पहले हम रूल देख लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। और हम तीसरा बात देखेंगे कि मान लीजिए हमारा फंक्शनल ग्रुप है लेकिन दो से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ही नामनक्लेचर करेंगे। कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, ठीक है। तो अभी हम जब एग्जांपल करेंगे तो उसके स्रोत समझेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हम देखेंगे कि भैया कौन पहले देखें अल्फा, मान लीजिए किसी का नाम ए से शुरू है तो पहले उसको फिर बी फिर सी, मतलब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में उसकी प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और लास्ट हमारा ए पॉइंट है कि तो हम लास्ट में भी देखेंगे कि हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड वाला है कि हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो कुल मिला जुला कर हमें चार बातों पर फोकस करना है। पहला बात की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कैसे सेलेक्ट करेंगे, अनसैचुरेटेड मतलब लोग समझ ही रहे हैं कि हमारा डबल बॉन्ड हो या हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो उसके पहले हमें कुछ बात को ध्यान रखना है। पहली बात हमें ध्यान रखना है कि अगर एक कार्बन रहेगा तो उसे कहेंगे मिथ, दो कार्बन रहेगा तो कहेंगे इथ, ठीक है, और तीन कार्बन रहेगा तो हाँ प्रोप, ठीक है, और चार कार्बन रहेगा तो बताइए, हाँ चार कार्बन तो ब्यूट, ठीक है, पांच कार्बन रहेगा तो पेंट, ठीक है, छह कार्बन रहेगा तो हेक्स, ठीक है, सेवन कार्बन रहेगा तो हेप्ट कहेंगे, ठीक है, हेप्ट, एट कार्बन रहेगा तो ऑक्ट कहेंगे, नाइन कार्बन रहेगा तो डेक कहेंगे, सॉरी नाइन कार्बन रहेगा तो नॉन कहेंगे, एन ओ एन नॉन, ठीक है, और टेन कार्बन रहेगा तो इसे डेक कहेंगे। तो कुल मिला जुला कर क्या हमने समझा, ठीक है, एक कार्बन रहेगा तो मिथ कहेंगे, दो कार्बन रहेगा तो उसे इथ कहेंगे, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप कहेंगे, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट कहेंगे, पाँच कार्बन रहेगा तो पेंट कहेंगे, सिक्स कार्बन अगर दे दिया तो कह देंगे हेक्स, और सात कार्बन दे दिया तो हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नाइन कार्बन नॉन, और दस कार्बन है तो डेक कहेंगे। तो कुल मिला जुला कर हमें इस दसों पॉइंट को ध्यान रखना। और दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो सिंगल बॉन्ड रहता है इसे हम अल्कीन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, अल्कीन, या लास्ट में उसको ए एन ई लगाते हैं। और हमारा ट्रिपल बॉन्ड रहता है इसे हम कहते हैं अल्काइन, क्या बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को सॉरी गलत हो गया, डबल बॉन्ड को हम अल्कीन बोलते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड को अल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन बोलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर देखिए मेन बात हमें रखना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट वाला चीज़ लिखेंगे, ठीक है, अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, अभी हम लोग ए देखते हैं। और डबल बॉन्ड है तो ई एन ई लगाएंगे, और हमारा ट्रिपल बॉन्ड तो वाई एन ई लगेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दिया कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है, और मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए तीन कार्बन दे दो तो पहला रूल क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए। चलिए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, यही है ना, तो नंबर दे दीजिए ए वन टू थ्री दे दीजिए। तो हमें तीन पे क्या आता है, हाँ तीन पे आता है प्रोप, लेकिन भैया बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो वही देखिए और हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, इसी तरह तमाम एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कह दिया कि मान लीजिए एक कार्बन है, दो कार्बन, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, ठीक है,
और एक यहाँ पर कार्बन है, हम हाइड्रोजन को अपने आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ऑटोमेटिक हो जाएगा, केवल हमें समझना है। तो सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, बताइए किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से, ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4, या तो उल्टा भी कर लीजिए, या तो आप सीधा भी रखेंगे तभी बात वही रहेगी, टेढ़ा करेंगे तभी बात वही रहेगी, ठीक है। इधर से करें 1 2 3 4, तो हमें ध्यान में रखना है कि हमने क्या कहा कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको हम मिनिमम पोजीशन देंगे, ठीक। हमने सेकंड पॉइंट तो यही पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, बिल्कुल है। आपका ए मीथेन क्या है, बेसिकली मीथेन भी तो फिस क्या नाम से आपका फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, याद कर लीजिए, मीथेन भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। CH3 को क्या कहते हैं, हाँ एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो मीथेन है, तो मीथेन भी हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ है, तो हमें भैया फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम दो वाले रखेंगे। तो हम इसका नाम बताइए क्या होगा, हाँ पहले लॉन्गेस्ट चेन कितना नाम होगा, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। लेकिन उसके पहले भैया हमारे सेकेंड पोजिशन पर क्या लगा है, हाँ बहुत सही, सेकेंड पोजिशन हमारे मिथाइन लगा है, तो हम क्या कर लेंगे, 2-मिथ, ठीक है, यही आपका नाम है 2-मिथ ब्यूटेन, समझ में आया। अभी और एग्जांपल करते हैं उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और यहाँ पर आपको दे दें कार्बन, तो इसका कैसे करेंगे, इसका बहुत आसान, पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कर लीजिए, या उल्टा करिए 1 2 3, तभी दो पोजिशन तो हमेशा इसकी आ रही है, तो किधर से भी कर लीजिए, तो क्या होगा बताइए, हाँ सबसे पहले तीन कार्बन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन लिख देंगे, फिर बताइए सेकंड पोजीशन पर हमारा क्या है, क्या बताइए, मिथ है, ये लिख देंगे मिथ। तो कुल मिला जुला कर रही था, चलिए हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा भैया फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सबसे पहला हमारा ग्रुप आता है फंक्शनल ग्रुप में, अगर हम बात करें तो हमारा आता है हैलोजन। अब हैलोजन क्या होता है, अरे वही क्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके का अगर कंपाउंड है तो उसे हम हैलोजन कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और हमारा उसके बाद अल्कोहल आता है, कौन सा आता है, अल्कोहल आपका आता है, तो अल्कोहल को बेसिकली हम OH से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है, हमारा कीटोन आता है, तो कीटोन का देखिए याद रखने का तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं सी इधर कर दीजिए और ऑक्सीजन लगा दीजिए, ये आपका कीटोन हो जाएगा। अगर आप कीटोन में एक जगह क्या नाम से हाइड्रोजन लगा दें तो क्या आ जाएगा बताइए, हाँ तब हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है। और उसी प्रकार अगर आप इसी कीटोन में OH लगा दें तो कार्बोऑक्सलिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोऑक्सलिक एसिड हो जाएगा, समझे, C=OH, ये आपका हो जाएगा कार्बोऑक्सलिक, और ये हो गया आपका कीटोन, ये हो गया एल्डिहाइड। देखिए मैंने तीनों बता दिए भैया, याद कैसे बेसिकली करना, अच्छा कार्बोऑक्सलिक में कुछ करना नहीं है, जो हमारा कीटोन है उसी में केवल क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे तो काम हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो और इसी में हमारा आ जाता है कि वही अल्कीन क्या होता है, पहले अल्केन होता है, अल्केन का देखिए फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और जो हमारा अल्कीन होता है ENE होता है, उसमें क्या करते हैं CnH2n हो जाता है, ठीक है, इसको 2 को कम कर देते हैं, इसी तरह 2 को और कम कर दीजिए तो हमारा अल्काइन हो जाएगा। तो अल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2, तो सबसे पहले अल्केन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्काइन, तो यही कुल मिला जुला कर फंक्शनल ग्रुप इतना हमारे क्लास टेंथ में दिया है। देखिए नॉमेनक्लेचर उतना हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत सिंपल ही पूछा जाएगा जितना मैंने बताया है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन, पहले हैलोजन, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अच्छा इसका नाम जैसे जानते कैसे लिखेंगे, फ्लोरीन दिया तो फ्लोरो कहेंगे, ठीक है, क्लोरीन दिया तो क्लोरो कहेंगे, और ब्रोमीन दिया तो ब्रोमो कहेंगे, ठीक है, आयोडीन दिया तो आयडो कहेंगे। तो कुल मिला जुला कर यही आपका है फंक्शनल ग्रुप। हमने कीटोन के बारे में कैसे याद करना है बता दिया, एल्डिहाइड कैसे याद करना बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करना याद बता दिया, अल्केन के बारे में बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप के साथ, मान लीजिए सी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर लगा दिया आपका फ्लोरीन, तो चलिए वही पहला काम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, भैया फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन ये हमारा हो गया, तो अब गिन लीजिए क्या बताइए, पहले 1 पे हमारा फ्लोरो है, ठीक है, तो हमारा सॉरी यहाँ पे वो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लोरो है
और बताइए कितना है? हाँ, फ्लोरो प्रोपेन हो गया। उसी तरह की मान लीजिए आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसे क्या कहेंगे? हाँ, इसे हमारा डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अल्केन अल्काइन इसको सॉरी अल्कीन और अल्केन अल्काइन को हम भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बताया है। वन सेकेंड थर्ड, तो हमारा सेकेंड पोजिशन पर क्या है? एक फर्स्ट पोजिशन पर क्या है? अल्काइन है, तो क्या कहेंगे बताइए? प्रोप प्रोपीन कहेंगे। ई यानी लास्ट में प्रोप तो हमारा है, ई यानी लगा देंगे, यहीं पर ट्रिपल बांध हो जाता तो क्या आ जाता? प्रोप वाइन लगा देते हैं। कुल मिला जुला कर देखिए नॉमेनक्लेचर का था। तो अगर आप लोगों को पूरा डीप एनालिसिस करना तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एग्जांपल का, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।